देखो मैं समझता कि जिस तरीके दे नाल कांग्रेस पार्टी दे पिछले 3 महीने पहला कांग्रेस पार्टी का प्रधान बनने के लिए जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां दे मुद्दे मसले नूं दरकिनार करके कांग्रेस दे लीडरां दी आपस दे लड़ाईयां होईयां, फिर उस तों बाद 15 दिनां दे विच विच जिस तरीके दे नाल इक इन्ने सीनियर सीजनड लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिस तरीके दे नाल जलील करके कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री दे अहुदे तों हटाया और फिर उस तों बाद मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री बनने दे लई जिस तरीके दे नाल हर 2-2 घंटे बाद नवे नवे नाम आ रहे सी ते यही पता लगदा सी कि एक लीडर दी बेड़ी दे विच दूजे ने वट्टे पा दित्ते, दूजे दी बेड़ी तीजे ने वट्टे पा दित्ते। मैं समझदा कि उदों ही कांग्रेस दे विच बहुत वड्डा निघारा जिहड़ा पंजाब और दुनिया विच वसदे लोकां ने देखिया, पर मैं समझदा कि अज जो कुछ हो रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जा रहे ने दिल्ली दे विच बीजेपी की लीडरशिप नूं मिलन दे लई ते हुण नवजोत सिंह सिद्धू जी ने पीसीसी प्रधानगी तों अहुदे तों इस्तीफा दे दित्ता। मैं समझदा कि अज इंडियन नैशनल कांग्रेस का नाम बदल के इंडियन नैशनल सर्कस रख देना चाहिए, क्योंकि सर्कसबाजियां कलाबाजियां हो रही ने पंजाब के लोगों के मुद्दे मसले, चाहे वह किसानी का, चाहे वह जवानी का, चाहे वह पंजाब के सिर चढ़े 3 लाख करोड़ कर्जे की गल है, और चाहे बेअदबी के दोषियों फंड की गल है, इंडस्ट्री की गल है, उन्हों की गल उन्हों के मसले हल करने पास ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्कसबाजियां कलाबाजियां कांग्रेस पार्टी के लीडर ने जिहड़े वह मसरूफ ने। मैं समझदा कि लोग इन्हों इस गैर जिम्मेवाराना कंडक्ट का मजा जिहड़ा 2022 दी चोणां दे विच जमानत आजाद करके कांग्रेस पार्टी के लीडर आम आदमी पार्टी की सरकार बना के उन्होंने मजा जरूर चुकाउंगे।